कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में पूरी भी रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके थर्ड बार बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वालों भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। तब की लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल का कविता का जान से प्यारा था पोता। पाकर ससुराल वाले बोले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसी भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकराई गई। कविता, राज और राहुल बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता की पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभी फोन ही करके पूछ लेते फिर अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रहती थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह तीन चार दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाइयों भाभियों से दिल खोलकर बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बेड तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती जबकि वह जानती थी कि उस घर में सब
अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी से उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले आया। कविता को अपने परिवार वालों से उम्मीद ना थी। कविता के हक कह बिना घर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा सा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।